तो वेलकम है फिर से न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये हमारे रेगुलर कस्टमर मतलब हर 3 महीने में 4 महीने में इनके सर्विस के लिए हमको जाना पड़ता है। तो आज हम आए थे तो हमने बोला आज यहाँ पे भी हम इसका फॉर्म सर्विसिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉइल पे पूरा फॉर्म मारने का जो तरीका है वो हमने शुरू कर दिया है। एक और वीडियो हमने डाला हुआ है चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका मतलब हर 3 महीने में वाटर लीकेज का प्रॉब्लम, फॉर्म मतलब आउटडोर भी चोक हो जाता है, इंडोर भी चोक हो जाता है, क्योंकि इनका यूज़ जो है ना वो बड़ा रफ़ और हाई यूज़ है। और ये इनका जो फ़ैन का स्पीड भी रहता है ना, इनका फ़ैन का स्पीड हमेशा पावरफुल पर ही रहता है, हमेशा पावरफुल पर ही रखते हैं वो। हमने इनका फ़ैन का मोटर भी बदला था, इंडोर मोटर। और दूसरी बात, इनका कुछ तो भी मतलब सर्वर का काम है, तो इनकी मशीनें इतनी ख़तरनाक गर्म होती है तो ये डायरेक्ट थ्रो उसके ऊपर मारते हैं। बोले भाई हमको, बोले मतलब जब मैं सिस्टम चालू करता हूँ, बोले एसी में साल में एक नवा डाल दूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरा सिस्टम है बोले उसमें एरर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा इनका मसला था। हमको कॉल आया एक दिन पहले, वाटर लीकेज हो रहा है, तबीयत तो थोड़ी ख़राब है, बट क्या है, काम तो करना ही है। तो हम लोग ने इसका पूरा फॉर्म क्लीन किया, ठीक है, मतलब पूरा फॉर्म, पहले तो पूरा जगह जगह कोने कोने में फॉर्म को मारा है हमने। और ये फॉर्म को थोड़ी देर मार के पूरे कॉइल के ऊपर कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। आउटडोर पे भी हमने मारने की कोशिश की थी, आउटडोर पे जितना हुआ हमने उतना मारा है, क्योंकि आउटडोर विंडो के नीचे से था लगा हुआ, तो वहाँ पे मार नहीं पाए हम लोग, जितना हमसे हुआ उतना मार दिया। यहाँ पे आधे से ज़्यादा फॉर्म जो है वो कॉइल के अंदर उतर चुका है, अंदर, जिससे जिसको बोलते हैं ना डीप क्लीन। तो ये स्प्रे जो मारते हैं हम लोग फॉर्म, ये पूरा जाके जो गैप दिख रही है ना फिन्स के अंदर जाके फंस जाती है। फिन्स के अंदर जाएगी जब, तभी तो डीप क्लीन होगा ना। ये पूरा हम लोग वेट किए, ठीक है, कॉइल पूरी पहले से ऑलरेडी गीली थी, तो इसके लिए हमने उस पर जेट पम्प नहीं मारे। अगर आप जाते हैं कहीं पे भी, अगर कॉइल अच्छी खासी गीली है तभी आप डायरेक्ट मार सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा मतलब एसी पूरा भरा हुआ है और उस पर अगर आप स्प्रे मारते हैं तो अच्छी तरीके से नहीं बैठता है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले गन से अपना जो वाटर जेट की जो गन रहती है उससे आपको पहले कॉइल को धोना है, ठीक है। उसके बाद में पूरा फॉर्म आपको मार देने का, स्प्रे घुमा देने का, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल तरीका जो अपना होता है हमेशा का। हमने इसका बहुत वेट किया, मतलब इसमें कैसा है ना, टाइम बहुत लगता है। मतलब पहले आपको सिर्फ कॉइल पे स्प्रे मारना, वो सॉरी कॉइल के ऊपर आपको गन मारनी है, गन से प्रेशर मारना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्म मारना है, फिर फॉर्म पूरा मतलब जज्ब हो जाए उसके अंदर, पूरा बैठ जाए उसके अंदर, कॉइल के अंदर। फिर उसके बाद में आपको वापस गन से उसको वॉश करना है। तो यहाँ पे हमने कवर लगाया नहीं था, सॉरी, यहाँ पे हमने कवर लगा दिया, 2 मिनट लगता है कवर लगाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा मतलब जो था फॉर्म, स्प्रे, स्प्रे भी बोल सकते हैं, फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो पूरा उसके अंदर बैठ गया था अंदर जाके। अब यहाँ हमने इसकी कर दी थी सर्विसिंग चालू। अभी देखो आप 2 मिनट के बाद में, अभी अभी का पानी देखना और एक 2 मिनट के बाद का पानी देखना, आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्लीन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से वापस आपको मानना है भाई, इसमें फॉर्म सर्विस करने में कोई मैटर नहीं है, लेकिन मसला क्या है ना, इसमें टाइम बहुत लगता है। ये देखिए आप, 1-2 मिनट भी नहीं हुआ वापस मतलब ऊपर से नीचे लेकर आया, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना मतलब वो हो रहा है इसमें।
और इसका ब्लोअर तो मैंने जैसा बताया था आपको, मतलब हमेशा सर का यही रहता है कि मैं एकदम हाई पावर पे चलाऊंगा इनकी। मैंने बताया कि मोटर भी हमने चेंज की, मतलब हर 3 से हर 4 महीने में, तीसरे चौथे महीने में हम पहुंच जाते हैं। सर का कॉल आती है, भाई वाटर लीकेज हो रहा है, आओ सर्विसिंग करके जाओ। जाके खोल के देखते हैं हम लोग, हमको पता चल जाता है कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि काम ही वही है ना। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी हमने फॉर्म मारा था वहाँ की जो कॉइल है वो बड़ी अच्छी से क्लीन हुई है, ठीक है। और जहाँ पे फॉर्म नहीं मारा था, क्योंकि देखो गन कैसी पकड़ा है मैंने भाई, इंस्टॉलेशन वाले मतलब बस इंस्टॉलेशन करना है और उनको भागना है कोई मतलब। अगर प्रॉपर तरीके से आप एक इंस्टॉलेशन 1 घंटे में करना ज़रूरी नहीं है ना भाई, 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, क्या हो रहा है। मेंटेनेंस के लिए अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको पूरा वॉश कर दिया, डीप क्लीन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल कोर्स, फुल प्रैक्टिकल कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट पे जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कहीं से भी रहे, हॉस्टल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब।